A very prominent name in the visual art, RM Naeem needs no introduction. आज हमने इनको दावत दी है अपने प्रोग्राम मिक्स प्लेट में कि हम उनसे बात करेंगे कि आर्ट की दुनिया में क्या हो रहा है, फाइन आर्ट्स में क्या नई चीज़ें हो रही हैं और विजुअल आर्ट पाकिस्तान में इस वक्त किस सतह पर है। नईम, हम आपको खुश आमदेद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि RM Naeem वो आर्टिस्ट हैं जिनके हज़ारों स्टूडेंट्स इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो हैं वो मुख्तलिफ़ एक्सेल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जॉब्स के अंदर। इन्होंने सबसे पहले रेजिडेंसी प्रोग्राम्स भी शुरू किए थे पाकिस्तान के अंदर। तो नईम, ये बताइएगा कि आपने जो रेजिडेंसी का ट्रेंड पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया, उसकी क्या रीज़न थी? मेरे ख्याल जब हालात किसी मुल्क के ख़राब होते हैं तो वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो किसी भी फील्ड के हों, लिखने वाले हों, पेंट करने वाले हों या किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक हो, उनकी ज़िम्मेदारी शुरू होती है कि अपनी नई जनरेशन को क्या वही जो हो रहा है वही दिखाना चाहते हैं या उसके बदले को ऐसी चीज़ दिखाएँ कि लोग उसको भूल के एक क्रिएटिव, एक नया एंगल इस मुल्क का दिखाएं। तो इंटेंशन यही थी। उन दिनों हालात इतने बुरे थे पाकिस्तान के, तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान का जो इमेज जा रहा था, एटलीस्ट मैं पाकिस्तान का एक और इमेज क्रिएट कर सकता हूं। तो मैंने कुछ लोगों को बुलाया और कुछ यहाँ के लोग थे, उसमें कुछ यंग लोग थे, तो जब वो गए तो उनकी परसेप्शन टोटली फ़र्क थी और उन्होंने एक्नॉलेज किया गया जो पाकिस्तान हम सोच के आ रहे थे वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मेरे ख्याल अगर हम इनिशिएट नहीं करेंगे और शिकायत करते रहेंगे तो ये सारी उम्मीदें स्टेट से रखना ये बड़ी ज़्यादती होती है। मेरे ख्याल अपनी कैपेसिटी में हमें वो करना चाहिए कि जिससे चेंज आए। तो मैंने अपने हिस्से का सिर्फ समझे कि बीज ही लगाया। अच्छा, तो कितने कंट्रीज़ के स्टूडेंट जो हैं वो आपके पास आए उन्होंने रेजिडेंसीज की? जो रेजिडेंसी हमारे प्रोग्राम शुरू हुए थे उसमें बांग्लादेश से थे लोग, उसके बाद फिर श्रीलंका से आए थे, फिर ऑफ एंड ऑन दूसरी जगह से भी आते रहे। लेकिन ये इनिशियल प्लान ये था कि हम ऐसे साइड से बुलाएं साउथ एशियन कंट्रीज से कि कनेक्ट कर सकें वो, क्योंकि हमारा एक ताल्लुक भी है आपस में और कुछ चीज़ें हम शेयर भी करते हैं। तो इंटेंशन ये थी और दूसरी शिकायतें भी थी उन्हें, जैसे बांग्लादेश को हमसे बड़ी शिकायतें थी। तो जब वो आए तो उनका टोटली परसेप्शन बदल गया उनका कि यार वो जो भी एक बुरा वक्त देखा हमने या जो गुजरा सारा सब कुछ, तो मेरा ख्याल है अब हमें इससे आगे चलना चाहिए और अब यहाँ से दोस्ती शुरू करनी चाहिए। ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि एम्बेसडरशिप जो है पाकिस्तान की तरफ से ये बेहतर गई और एक बेहतर इमेज गया। अच्छा, अवाम या जो आम अवाम है, आम जनता है, वो विजुअल आर्ट से बहुत दूर है। एक ख़ास तबका है जो पेंटिंग्स देखता है, उसको एडमायर करता है। तो आपके ख्याल में आम अवाम को इस फ़न के करीब लाने के लिए क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है कि शुएब आम अवाम बिल्कुल भी दूर नहीं है उससे। मैं समझता हूँ विजुअल आर्ट वो नहीं है कि सिर्फ पेंटिंग की बात हो रही है। जब आपकी आँख खुलती है ना और आप जिस चीज़ को एडमायर करते हैं विजुअल आर्ट ही है। सही। वो एक बना हुआ घर हो, एक बनी हुई पेंटिंग हो या एक इतनी खूबसूरत आपने रखी है मोटरसाइकिल या बाइक, तो आप अप्रिशिएट करते हैं किसी चीज़ को, तो अप्रिशिएट आप आर्ट को ही कर रहे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि विजुअल आर्ट में आपसे पेंटिंग को गिने, एक प्रोडक्ट भी विजुअल आर्ट ही है सही। हम उसे देख रहे हैं तो मेरे ख्याल है वो इंसान की ऑक्सीजन की तरह की नीड है। आप उसको अप्रिशिएट किए बगैर ज़िंदा रह नहीं सकते। तो उसमें जहाँ तक गैलरी की बात है तो गैलरी डेफिनेटली हर काम के कुछ डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो एक रक्षे वाला जो है वो अपने रक्षे के अंदर जो है किसी एक्ट्रेस का फोटो लगा के, एक्टर का फोटो लगा के उसको एंजॉय करता है, या एक बंदा घर में बैठ के अपने किसी पीर की तस्वीर लगा के एंजॉय करता है। तो मेरे ख्याल है विजुअल के बगैर ये ऐसी है जिस तरह अंधा कोई दुनिया में हो। तो अगर आँख है तो आप समझें कि वो, और आप ब्लेस्ड हैं तो आप अप्रिशिएट भी कर रहे हैं किसी को, तो कर उसके आर्ट के एंगल को ही रहे। एस्थेटिक्स यानी कि मुख्तलिफ सूरतों में प्रिवेल करती है, आपका कहने का मकसद है। हमारी सियासत में बहुत ग्रुप बुनियाँ हैं, फैशन में बहुत है। मेरे सवाल से पहले आपने एक लाफ्टर दे दिया है, मुझे लगता है कि आपने परसीव कर लिया मेरा क्वेश्चन। तो ये बताएं कि ये जो फाइन आर्ट्स के अंदर इतनी ग्रुप बुनियाँ हैं शदीद किस्म की, उसका क्या रीज़न है? आप क्या समझते हैं कि हमारे आर्टिस्ट एक प्लेटफॉर्म पर क्यों इकट्ठा नहीं होते? मेरे ख्याल में ग्रुप बहुत नेचुरल है, ये हायरार्की बड़ी नेचुरल है कि घोड़ा घोड़े में खुश रहता है, गधे गधे में खुश रहते हैं, जो जानवर जिस जानवर के साथ। घोड़ा कौन है, गधा कौन है इसमें? नहीं, इसमें मेरा ख्याल है ये, मैं ना घोड़े को कम समझता हूँ ना गधे को कम समझता हूँ। अच्छा। इनमें कम कोई भी नहीं है। वेरी डिप्लोमेटिक। नहीं, डिप्लोमेटिक नहीं, आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, नेचर में कॉम्पिटिशन नहीं होता। एक टमाटर की कभी तरबूज से लड़ाई नहीं होती, दोनों एक साथ बोए होते हैं, लेकिन ना वो रंग पे लड़ाई करते हैं ना वो साइज पे लड़ाई करते हैं। गुड एग्जांपल। तो इंसान ही है जो कंपेयर करता है। इंसान को समझना चाहिए कि वो कंपेयर करने के बाद अपने आप को बेहतर करे, ना कि किसी डिफरेंस की वजह से लड़े।
है, कोई सिमिलैरिटी तो उसकी स्ट्रेंथ पे काम करे, कोई डिफरेंसेज हैं तो उनको बेहतर करने के लिए काम करे। तो मुझे लगता है कि ये ग्रुप अगर दो या चार हैं आर्ट में या किसी भी चीज़ में, आप में कम ग्रुप्स हैं आपके एरिया में, आप मेरी तरफ कीजिए, आज इंटरव्यू आपको मैं लूँगा। तो उसमें डेफिनेटली देखें जितने ग्रुप्स होंगे उतनी वॉइस रेज होंगी। तो मैं समझता हूँ दो नहीं होने चाहिए, चार नहीं होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए ताकि सारी वॉइस उस आवाम तक जाए और उसके बाद लेट पीपल डिसाइड कि है क्या, तो उन्हें कोई चॉइस मिलेगी तो ठीक है ना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम देखते हैं कि किसी ऐसे शख्स के पास जब कुछ है, अगर वो बदनियती करे तो वो ज्यादती है, वो कहीं से भी आ रहा हो, वो मैं हूँ या कोई और हो। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे मिडिल मैन हैं जिनको खुदा अपॉर्चुनिटीज देता है और वो कुछ कर सकते हैं, वो अपना रोल उस तरह प्ले नहीं कर रहे कि वो रियल चेंज आ सके, उनकी ज़िंदगी उनके आसपास चार लोगों पर ख़त्म हो जाती है। सही। मेरे ख्याल है वो चार लोग पाकिस्तान नहीं है, ये चार लोग ये मुल्क नहीं है, ना वो चार लोग इस मुल्क को संभाल सकते हैं, ना उसकी पिक्चर हो सकते हैं। तो हमें बहुत सारे लोगों को चार से आठ और आठ से सोलह और इस तरह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर वाकई आप इस 22-23 करोड़ आवाम को बेहतर करना चाहते हैं। प्राइवेट आर्ट गैलरीज का अपना एक रोल है, हमारे पास कम गवर्नमेंट पैटर्नेज की आर्ट गैलरीज हैं, तो गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल होना चाहिए कि हम इस आर्ट को, और स्पेशली डाउन द लेन अगर हम देखें तो टाउन्स के अंदर हमें इतनी उस तरह गैलरीज नहीं मिलती, कौंसल्स का इसके अंदर आपके नज़दीक क्या रोल है, इसके ऊपर कुछ बात करें। मेरा ख्याल देखिए कि किसी भी मुल्क की तरक्की में दो एरियाज बड़े इंपॉर्टेंट है, एक आपका कॉर्पोरेट सेक्टर और स्टेट की पैटर्नेज। कि स्टेट कॉर्पोरेट सेक्टर एक हद तक कुछ कर सकता है, उस पर भी अगर गवर्नमेंट को एक पाबंदी ऐसी लगा देती तो वो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह दुनिया में जब बिल्डिंग बनती हैं तो उसकी सर्टन परसेंटेज जो है वो आर्ट के लिए मुख्तस की जाती है, तो स्टेट ये रूल्स चीज़ें सारी बनी हुई हैं लेकिन हम संभव इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्टेट के अपने इतने झमेले हैं कि उनसे फारिग होंगे तो वो हमारी तरफ देखेंगे। लेकिन सच ये है कि जब तक स्टेट सपोर्ट नहीं करेगी स्टेट का वो इमेज बन ही नहीं सकेगा, क्योंकि इमेज मेकर हम हैं वो नहीं, लिखने वाले म्यूज़िक वाले जिन्हें दुनिया जानती है, जो शख्स 5 साल के लिए आया है उनकी पॉलिसीज अगर सही नहीं बनाएगा तो उसको लोग तारीख में याद करते हैं, जिसने बना दी उनको भी याद रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब खुदा ने आपको सिर्फ 5 साल का वक्त दिया है तो उसमें आप ऐसा कर जाएं कि अगले 50 साल तक आपको याद किया जाए, एटलीस्ट इस तरह की चीज़ें ज़रूर बना जाएँ। तो मेरा ख्याल है कि स्टेट जब तक कदम नहीं उठाएगी, हम जितना मर्जी उछलते रहे हम आसमान को नहीं छू पाएंगे। तो दुनिया में जब भी तरक्की हुई है तो स्टेट ने अपने उन थिंकर्स को अप्रिशिएट किया है। आज भी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे मुल्क के हीरो सारे कोई और मुल्क बना पाए, हम खुद क्यों नहीं बनाते? जब हम बनाएंगे तो वो यहाँ के किसी काम आएंगे ना। अब हम भी अपना वेस्ट जो समझते हैं कि वही सब कुछ है, तो हमें भी करेक्शन की ज़रूरत है कि हम अपने तौर पे यहाँ पे कुछ करें। लेकिन बस एज आई सेड अर्लियर कि वो करेंगे तो कुछ होगा, हम जितना मर्जी उछलते रहे आसमान को हम नहीं छू सकते। मैं आर्ट गैलरीज की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारे पास अलहमरा एक ऐसी आर्ट गैलरी है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा गवर्नमेंट की पैटर्नेज की गैलरीज नहीं है। और अगर मैं पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स की बात करूँ तो दे हैव गॉट आई थिंक 11 डिविजनल आर्ट्स काउंसिल्स अंडर इट। तो इस तरह से जो स्पैन ओवर चीज़ें होती हैं उसमें टाउन्स में हम कैसे स्प्रेड आउट कर सकते हैं आर्ट को, स्पेशली व्हेन अ काउंसिल हैज अंडर इट लाइक 10-11 आर्ट्स काउंसिल्स। तो आपका उसके बारे में क्या सजेशन है कि हम जो छोटे शहर हैं जो उधर के आर्टिस्ट हैं उनको कैसे पुल अप कर सकते हैं? मेरे ख्याल एक तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर खुदा ने आपको कोई तौफीक दी है, कोई हुनर दिया है, कोई अकल दी है, तो आपको वक्त निकालना चाहिए और अपने आप को एक तरह से ऑफर करनी चाहिए, लोगों को ऑफर करना चाहिए कि यार मैं कहाँ आपको सर्व कर सकता हूँ। तो छोटे शहरों में जितनी भी जगह हैं जो आर्ट्स काउंसिल्स हैं, यहाँ से आर्टिस्ट जो उनको जाना चाहिए और छोटी छोटी वर्कशॉप करवानी चाहिए और उससे बहुत ओपनिंग बनेगी और उससे जब लोग निकलेंगे, क्योंकि जो भी आपके आसपास 6 टीचर होते हैं वो काफ़ी नहीं होते, आपको डिफरेंट आवाज़ चाहिए होती है और आवाज़ अगर आपका हीरो देगा आपको तो आपको ज़्यादा सुनाई देती है। तो जो भी जो फील्ड के हीरोज़ हैं उनको जाना चाहिए और टाइम गुजारना चाहिए। हम मैं ये नहीं कह रहा मैं हीरो हूँ, लेकिन हम इस प्लान को बड़ा सीरियसली फॉलो करते हैं। हम समर्स में जाके बच्चों के स्कूल में वर्कशॉप करवाते हैं या बच्चों को स्टूडियो बुलाते हैं या अवार्ड जब होते हैं, तो हमने जो अवार्ड देना था तो हम उनको पैसे नहीं देते, हमको शील्ड नहीं देते, हम कहते हैं हमारे पास आएँ 1 महीने काम करें हमारे पास ताकि उस इन्वायरमेंट में वो टाइम गुजारें। तो मेरे ख्याल है ये हम जाने को तैयार, अगर कोई बुलाएगा तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें बुलाना चाहिए क्योंकि मना कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम खुद ये तरक्की चाहते हैं। यानी कि इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट रन जो इंस्टीट्यूशंस है कल्चर के उनको ये देखिए, मसला ये है कि 80% आपकी आबादी छोटे शहरों में रहती है, तरक्की वहाँ से शुरू होगी तो तरक्की नजर आएगी। एब्सोल्युटली अगर हम 4 शहरों में बैठ के तालियां बजाते रहेंगे तो ये शहर मुल्क नहीं है। बिल्कुल। तो उस मुल्क के जो असल आवाम है वो वहाँ पे रहती है, वो सिर्फ यूज़ करने के लिए नहीं है,
उनका दिमाग थोड़ा सा खोलने की ज़रूरत है, और दिमाग खुलते उस वक्त जब सोचना शुरू करते हैं, तो उन्हें ऐसी सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज करनी चाहिए जिससे कि उनका दिमाग खुलें, सोचना शुरू करें। अब मुझे लगता है कभी कभी शायद स्टेट को खौफ आता है कि इन्होंने सोचा तो हमारा क्या बनेगा, तो कभी कभी ये भी लगता है कि शायद उनको ऐसा रखा जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आज वो ज़माना है कि कोई आपको डराना चाहे, आप डर जाएं। आज मीडिया का ज़माना है, आज पूरी दुनिया की चीज़ें आप बैठ के देख सकते हैं। ये शिकायत उनकी तरफ से भी बाज़ मुझे नाजायज़ लगती है कि यार आपके पास पूरी दुनिया में लोग अवेलेबल है। आज मेरे पास एक बच्ची आई हैदराबाद से, उसको मिलने का शौक़ था, बात करने का शौक था, वो हैदराबाद से यहाँ मिलने आई थी किसी जगह पर, तो उसने कहा सर आपसे मिलना है, तो जो लोग चाहते हैं वो मिल लेते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा खुद भी इनिशिएट करना चाहिए, शिकायत से तरक्की नहीं होती मुझे लगता है।